गया, मैं किधर बैठेगा? अरे आप पीछे बैठ जाओ। छोटी गाड़ी में से मीठी मीठी खुशबू आ रही है। हाँ। ओहो, अरे ये तो डब्बा है। डब्बे में क्या है वो देखो, हलवा है। छोटी लगता है तुम्हारा दोस्त गाड़ी में भूल गया। और मैंने लगता है अमनगढ़ पर जाएगी ना शरीफ राह के लिए बनाओगे हलवा। अच्छा ढाबा खुद चल गया आपके पास आ गया, तो खा लूं मैं। ओ खा ला यार। थैंक यू। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। हाँ हाँ साहब हमारी है। ए पकड़ ले, पकड़ ले सर। अरे गाड़ी, अरे पकड़ो, एक बार गाड़ी ले, अरे पकड़ो यार, अरे पकड़ो, पकड़ो, ए छोड़ो पकड़ो, अरे पुलिस की गाड़ी लगा, कहाँ है? अरे पकड़ो कोई, पुलिस की गाड़ी लगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस की गाड़ी चोरी करते हो। तो मेरा हल्पे का डिब्बा भी ले गए। चालू पांडे साहब को पता चलेगा, पता नहीं क्या करेंगे। अरे लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा। आसपास की सभी चौकी पर वो अलर्ट जारी कर देंगे और ये चोर पकड़े जाएंगे। कितनी बार बोला है पाटिल की गाड़ी टाइम पर सर्विस पर दिया करो, टाइम पर तनख्वाह मांगने तो आ जाते हो। सॉरी सर। सॉरी सर। ओ भाई जल्दी। जी सर। हाँ बोलो राठौड़। सर चोरी हो गई। चोरी कहाँ? यहाँ हाईवे पे। अरे फोन पर बतिया क्या रहे हो, गाड़ी में बैठो और चोर का पीछा करो। सर वही तो नहीं कर सकते सर। क्या पुलिस होकर चोर का पीछा नहीं कर सकते, इतना आलस? सर वैसे तो कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में बैठकर नहीं कर सकते सर। गाड़ी में बैठकर चोरों का पीछा क्यों नहीं कर सकते? गाड़ी क्या वहाँ अचार डालने लेकर गए हो? सर गाड़ी तो चोरी हो गई है। किसकी गाड़ी? जिस गाड़ी में हम लोग आए थे गाड़ी चोरी हो गई। MH01I2121। ओ गॉड, वो गाड़ी तो अभी सर्विस होकर आई थी। ये किस चोर की शामत आई है जो मुंबई पुलिस की गाड़ी लेकर भागा है? वही तो जानना है सर। वो लोग 5-6 लोग थे, लगता है बहुत बड़ा गैंग है। तुम लोग अभी कहाँ हो और चोर किस ओर गाड़ी लेकर भागा है? सर हम बिल्लू के ढाबे के पास हैं और वो लोग बड़ी क्रॉसिंग की तरफ गए। ओके गॉट इट। तुम एक काम करो, तुम बगल वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, मैं वहां पर नाकाबंदी करवाता हूँ। ठीक है सर। डू इट। मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों की मैं वो हालत करूंगा कि गाड़ी चुराना तो दूर, गाड़ी में बैठना तक भूल जाएंगे। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है? यस सर। कुछ गुंडों ने गाड़ी चोरी कर ली है। किसकी गाड़ी? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, किसकी गाड़ी? पुलिस की। ओह माय गॉड। हाँ ये तो शर्म की बात है। मुंबई पुलिस की गाड़ी चोरी हो गई? वो क्या बिल्लू के ढाबे के पास गाड़ी खड़ी थी, चोरों ने वो गाड़ी उठाकर वो बड़ी क्रॉसिंग की तरफ निकले हुए हैं। गाड़ी का नंबर है MH01-2121। देखो किसी भी तरह ये गाड़ी को रोको, शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं निकलेगी सर। हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्टेशन का सवाल है। हाँ अगर गाड़ी गई तो हमारी इज्जत भी जाएगी। अरे सब मुझे पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी गई है, अब इज्जत नहीं जानी चाहिए, गाड़ी को रोको कैसे भी। यस सर, चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। गुड गुड, थैंक यू। डू इट प्लीज। आज उन सबको बराबर सजा मिलेगी, आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बापूजी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से वो लोग रूठ के कहीं चले गए हैं। कैसे रूठना? अरे वो सब लोग कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो रूठ के चले जाएंगे। मुझे तो लगता है शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कैसी परीक्षा, कैसे रूठना? अरे कोई तो बोला। चाचा जी मैं बताती हूँ, वो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई थी रत्नावली। पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। प्यार को साबित नहीं कर सकते, प्यार को तो महसूस कर सकते हैं, और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है।
ओलाला वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। मैं गलत थी जेठा जी, आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं। बापूजी इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि उनको हमारी बात का बहुत बुरा लगा है और इसलिए रुठकर कहीं चले गए हैं। हाँ चाचा जी, हमें लगता है कि रत्नावली किस किस्से की वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके प्यार की परीक्षा ली थी ना, तो अभी गुम होकर वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। जी अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ क्लब हाउस से तो सब नाच गाकर हैप्पी होकर निकले थे। नहीं रोशन भाभी, वो क्लब हाउस के बाद घर पे मैंने तारक से पूछा था कि आपको किसी के प्रति आकर्षण तो नहीं है ना। रुकड़े मैं अपन रोशन ने पूछ लो। मैंने भी अय्यर को पूछा था। मैंने भी बात की थी तो ये तो इतने गुस्सा हो गए कि कहा माधवी इसके बाद आकर्षण विषय बनता मंजो बनता। मैंने आकर्षण वाली बात की तो हंस ने बात करने से ही मना कर दिया। मैंने भी बात की थी तो नाराज हो गया और कहा कि फिर से ऐसी बात करोगी तो तुमसे बात नहीं करूंगा। अंजलि बेटी को शांत करा और उसे पूछ इतना क्यों रो रही है। दया भाभी क्या हुआ? मैंने तारक को ऐसा पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अंजलि मैं लेखों को इसलिए तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। मैं ये सब छोड़ के साधु बन के हिमालय चला जाता हूँ। ऊपर से मैंने भी उनको कहा था कि हाँ बन जाइए साधु। कई तारक सच में साधु बनकर हिमालय तो नहीं चले गए ना। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मेहता साहब ऐसा नहीं करेंगे, साधु क्यों बनेंगे। तो भी तारक कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। देखो मुझे लगता है कि तुम सब लोग कुछ ज्यादा ही नकारात्मक सोच रहे हो। हाँ बराबर है बराबर है। अरे देवा एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से नाका बंदी है। हाँ पर टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल रही है गाड़ी है। साहब 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 वो सिल्वर वाली गाड़ी साहब। ओह माय गॉड, अपने कोई बड़ा गैंग है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। घेरो सबको घेरो, कोई जाया ना पाए। जल्दी रुको रुको गाड़ी रोको। क्या हो गया? पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घिर लिया है। क्यों? अब क्यों? जरा भी चालाकी की ना तो भून के रख देंगे। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो नीचे उतरो, सब लोग नीचे उतरो। चलो उतरा खाली। इंस्पेक्टर साहब काल की है, तुझे कार की रही हो जी? इंस्पेक्टर साहब ऐसा हमने क्या किया कि आपने हमें बंदूकों की नोक पे खड़ा कर दिया है? हाँ देखिए हम सब शरीफ लोग सीधे सीधे घर जा रहे थे। अब तुम लोग घर नहीं सीधे हवालात जाओगे। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराने की हिम्मत करते हो, ऊपर से सवाल पूछते हो। पुलिस की गड्डी? ना जी ना, ये तो मेरे दोस्त की गड्डी है जी। चुप। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। नहीं नहीं नहीं, अरे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, ये छोटी सच बोल रहा है, ये इसके दोस्त अमनजोत की गाड़ी है। जेठा ब्रो वो अमनजोत पर जायजी का नाम है, वो दोस्त का नाम शहरी है। सॉरी सॉरी, इसके दोस्त शहरी शहरी की गाड़ी है। अच्छा इसके दोस्त की गाड़ी है। चाबी दो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। दो चाबी तो खो गई जी। अच्छा चाबी खो गई है, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये सोड़ी ने की, बिना चाबी की गाड़ी सिर्फ शुरू नहीं की बल्कि गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया। बहुत बहुत बड़ा कारीगर है। तो कारीगर जी चलो कारागार में, तुम सब भी। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या कारागार, चलिए हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। तुम गाड़ी चुराने वाले नहीं
है? मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, तो ये सब तुमने इनको सिखाया है? मतलब तुम इन सबके मास्टर माइंड हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मास्टर हूँ और मैं शिक्षक मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा ट्यूशन क्लास भी है, बीटे ट्यूशन क्लासेस, गोकुलम सोसाइटी में। बोलना। मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, तो सारी चोरी की गाड़ी तुम बेचते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो वो टीवी, फ्रिज, मोबाइल वो सब बेचता हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शाम की मेरी दुकान है। अरे मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है। अरे यार भाई, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट तो पढ़ा लिखा ही होता है ना, अनपढ़ साइंटिस्ट होता है क्या कभी? आई मीन टू से आई एम एन एजुकेटेड पर्सन एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ कंट्री। यार तुम आर्टिकल भूल गए, कंट्री के पहले द लगता है, द कंट्री। हाँ, आर्टिकल छोड़ो, ये लोग हमारा छोटा छोटा पार्टिकल कर देंगे। साहब हमारा यकीन कीजिए, वी ऑल आर रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सही बात है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। अरे आतिफ भाई, डॉक्टर तो लोगों का इलाज करता है ना। मैं तो साहब जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ ना, वही बता रहा था। और हमारा काम भी तुम जैसों का इलाज करना है। नहीं सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है और मैं एक बहुत सुप्रसिद्ध राइटर हूँ सर। मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स, मेरा लेना देना स्टोरी से है, चोरी से नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? नहीं, पूरी बैलेंस थी मैं। मतलब लेखक चोरी की पूरी प्लानिंग करता है, शिक्षक सबको सिखाता है, फिर कारीगर गाड़ी चोरी करता है और व्यापारी चोरी की गाड़ी बेच देता है। सर तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट को साथ में क्यों रखा? ताकि किसी को शक न हो, इसलिए है ना? ना ना इल्ला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, हम सब शरीफ घर के लोग हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सीधे साधे इंसान हैं, हमको जाने दीजिए, हम तो खाली ऐसे ही सैर करने निकले थे। सैर करने निकले थे, अभी तुम्हें हवालात की सैर करवाते हैं। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि वो शरीफ है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी गलती सुनिए, एक गड्डी वाकई मैंने दोष दिया, तुसी प्लीज सारी गलती सुन लो एक बार। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। हवलदार, इन सब पे नजर रखो, हिलना नहीं, हाँ, चालाकी नहीं। बासुंदी, सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब इसमें एसी रिपेयर करने वाला नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब हम मुजरिम के पीछे भागे हैं या एसी रिपेयर करने वाले के, बताओ आप। अरे सुनो बासुंदी, बात बात पर गर्म मत हुआ करो प्लीज। अरे सुनो सर, ये फूकने मार रहा है। अरे सर को क्यों बुला लिया? फूक मारो। अरे मशीन में फूक मार। शराब पीकर बाइक चलाते हो? कम से कम अपनी नहीं तो दूसरों की जिंदगी के बारे में तो सोचते। अरे कंट्रोल खो जाता, किसी को ठोक देते, किसी की टांग टूट जाती तो। सॉरी सर, वो वाइफ से झगड़ा हो गया इसलिए थोड़ी दारू पी ली थी। दो गलती की तुमने, एक तो शराब पी, दूसरा बीवी से झगड़ा किया। वैसे झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर वो घर का एसी बिगड़ गया इसलिए झगड़ा हो गया, अब खुद बनवा लेना चाहिए ना। हाँ, खुद भी तो रिपेयर करा सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए थे। एसी रिपेयर वाले को बुला लिया होता तो सब सॉर्ट हो जाता ना। खैर, दुनिया में कई पति हैं, अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं तो क्या सारे शराब पीते हैं? शराब नहीं पीना चाहिए। ओके ऑल दैट, कुछ ही पे ले जाओ। चले रहने दो सर। आई कांट हेल्प इट। ओहो, हेलो इंस्पेक्टर चारू पांडे। सर, पुलिस की गाड़ी चुरा के भागने वाले चोर गाड़ी के साथ पकड़े गए। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पुलिस की गाड़ी थी, ऐसे कैसे छोड़ देते? मुंबई पुलिस की गाड़ी चुरा कर भागे थे, भाग भाग कर जाते कहाँ? एक काम करो, तुम उन लोगों को हमारे थाने पर लेकर पहुंचो और राठौड़ और उसकी टीम को कहो वो भी वहां पर पहुंचे, हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। और सुनो, डंडों से उनकी इतनी खातिरदारी करना कि चोरी करने वालों की दुनिया में ये मिसाल बन जाए, मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों का अंजाम क्या होता है। यस सर, जरूर सर। और सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद सर। ओके, थैंक यू।
इन सबको गाड़ी में बिठाओ। इंस्पेक्टर साहब की गल कर रहा है। चुप। आए दुर्बुद्धि साली, सोड़ा शब्द से सीधा घर जाना चाहिए था। खामा का सोड़ी के साथ चले आए। अरे बात साथ आने की नहीं है मेरे सोड़ी। तुम्हें सबके फोन स्विच ऑफ करके रखने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं मेहता साहब, किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अय्यर भाई का दोष है। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। जेठालाल मैंने क्या किया? क्या किया, क्या छींक खाई आपने? अब शगुन करवाया। और मैंने बोला था कि नहीं कि दो मिनट रुकते हैं, बाद में जाते हैं। तो क्या बोले अय्यर भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब नेचुरल है, कुदरती है सब। अभी भूख तो। जेठालाल मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज। प्लीज। वही किसी को फोन नहीं करेगा। सर सर सिर्फ सिर्फ एक फोन, हमें अपनी बीवी को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कहाँ फंसे हैं, बस बताना है प्लीज। होल्डर ले चलो इन सबको। देखिए बहनों, मुझे लग रहा है कि आप सब अपने अपने पतियों को गलत समझ रही हैं। वो ऐसे छोटी मोटी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे। बराबर, दीपा सही कह रहा है। अगर ये वजह नहीं है तो फिर और क्या वजह हो सकती है? लेकिन किसी के कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी ना? इमरजेंसी? अरे कैसी इमरजेंसी? हे भगवान, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं किया होगा ना? वो लोग छह लोग हैं अंजलि बेटा, उसमें एक सोड़ी है, हाथी है। अरे कोई उन्हें कैसे किडनैप करेगा? कहीं कोई दुर्घटना तो? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब लोग पक्का कहीं घूमने गए, इसलिए फोन बंद कर दिया है। और हम सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये सब लोग अपने परिवार वालों को मानसिक त्रास दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जहाँ भी होंगे पुलिस उन्हें ढूंढ निकाली और बराबर सबक सिखाएगी। बिल्कुल, हम पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस उनको फटाफट ढूंढेगी। हाँ चलो 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 चलो। अगर वही हुआ जिसका डर, पकड़े गए हम लोग पुलिस की गाड़ी के साथ, पकड़े गए वो भी रंगे हाथ। भाई पुलिस इसी एरिया में गाड़ी चोरों की गैंग को ढूंढ रही थी और पकड़े गए हम। अब हमें कहाँ ले जाया जाएगा? पुलिस स्टेशन और कहाँ? और उधर चंपक चाचा और हमारी पत्नियां बहुत चिंतित हैं इसकी, हमारी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। मगर पुलिस स्टेशन में चालू पांडे जी नहीं मिले, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी नहीं मिले, तो भाई बहुत मुसीबत होने वाली है। पुलिस स्टेशन होगा बहुत बड़ा हंगामा और बहुत बड़ा बवाल, लेकिन आपके घरों में होंगे हंसी और ठहाके। जब आप देखो तारक मेहता को उल्टा करता, सोचिए कि क्या होगा पुलिस स्टेशन। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।